सोलन में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शानदार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। इस मौके पर भगवान राम से जुड़ी झांकियों का प्रदर्शन किया गया। ये शोभा यात्रा नाचते गाते हुए सोलन के शिरली रोड से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंची, उसके बाद शोभा यात्रा को माल रोड और फिर पुराने DC ऑफिस तक निकाला गया। सोलन में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शानदार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। इस मौके पर भगवान राम से जुड़ी झांकियों का प्रदर्शन किया गया। ये शोभा यात्रा नाचते गाते हुए सोलन के सिल्ली रोड से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंची, उसके बाद शोभा यात्रा को माल रोड और फिर पुराने DC ऑफिस तक निकाला गया। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने भी सभी को इस मौके पर मुबारकबाद दी और कहा कि जहां एक और गुरु वाल्मीकि ने न केवल रामायण लिखी बही बल्कि उन्होंने लव कुश को भी आश्रय दिया था। उन्होंने कहा कि देश में फिर से बही राम राज्य आना चाहिए जिससे सभी लोग एक समान हो। उन्होंने कहा कि आज उन्हें भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद पाकर उनका जीवन भी सफल हो गया। और ऋषि वाल्मीकि जो भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए, वो एक बहुत बड़ा इस पूरी धरा पर बहुत एक आशीर्वाद है इस प्रंत का, परमात्मा का, कि इतने बड़े ऋषि ने जिन्होंने स्वयं अपनी रामायण लिखी हो। और दूसरी बात ये भी है जो हाँ जो इतिहास बताता है कि जो लव कुश को जो इन्होंने ही संरक्षण दिया और इन्हीं के आश्रय में उनका लालन पालन हुआ, इसलिए भी हम इस मंदिर की हमेशा ही जब बुलाते हैं तो हमेशा जाते हैं। वाल्मीकि भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस भूमि में जिसमें हर रोम में राम बसे हैं, उनका भी आभास हो जाता है कि हम हमेशा ही वो चीज़ सोचें जो उस वक्त के युग में हुआ करती थी, जिसमें समाज में जिसे कहते हैं राम राज्य, जो समानता और सब लोगों को बोलने का अधिकार, सब लोगों को जीने का अधिकार, सब लोगों के अंदर एक प्रकार से ऐसी समावेश कर दी गई थी प्रवृत्ति कि किसी आदमी को ऐसा महसूस नहीं होता था कि भाई उसका सम्मान नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ महान ऋषि को जो दर्शन करके हम धन्य हुए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में भी उनके सब गुणों का हम अपने में समावेश करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें। और मैं ये जरूर कहता हूँ उन लोगों को, जब इनको भूमि मिल जाएगी प्रशासन से, तो इनकी इनके एक छोटे से सभागार को और सामुदायिक केंद्र को मैं अपनी ओर से अपने MLA फंड से धनराशि भी दूंगा और उसमें पूरी सहायता भी करूँगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिथि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए HOD के साथ। नमस्कार।